और अगली खबर आपको हम रामगढ़ से बताते हैं, जहां पर हस्तिनापुर में होने वाले आगामी चुनावों के लिए अखिल भारतीय श्री पल्लीवाल जैन महासभा के प्रत्याशियों ने नौगावा में जैन समाज के लोगों से संपर्क किया। तो वहीं जैन समाज के द्वारा सामूहिक बैठक का आयोजन बस स्टैंड स्थित जैन मंदिर में किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ में की गई है और जैन समाज नौगावा के द्वारा पधारे सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया है। समाज के महेश जैन ने बताया कि अखिल जैन पल्लीवाल समाज के चुनाव होने जा रहे हैं और जिसके परिप्रेक्ष्य में आज नौगावा आए हैं। अध्यक्ष पद के लिए भागचंद जैन, महामंत्री पद के लिए महेश जैन, कोषाध्यक्ष के लिए ओम प्रकाश मुरैना वाले हैं और उन्होंने बताया कि हमने जैन समाज के सामने विभिन्न मुद्दे रखे हैं कि जैन समाज हमें ही आखिर क्यों चुना। तो और अगली खबर अजमेर से है, जहां पर दरगाह के खादिमों ने जिस तरीके से भड़काऊ भाषणों में नफरत पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया, उससे शहर का माहौल बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन अब ठीक इसके विपरीत मंगलवार की शाम को जिला प्रशासन की सहभागिता से सर्वधर्म सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि क्या इन रैलियों से सद्भावना बनी रहेगी। रैली में शामिल हुए सभी धर्मों के गुरु व आम लोग और जिला प्रशासन ने बिगड़ते माहौल को ठीक करने की नीयत से सोमवार को धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की, सद्भावना रैली निकालने के लिए सहमति बनाई। रैली सुभाष उद्यान से शुरू हुई जो दरगाह इलाके से अन्य बाजारों से गुजरी है। रैली में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा की गई है और रैली में सभी धर्मों के सैकड़ों लोगों के शामिल होने की बात कही गई और शांति का संदेश देते हुए ये रैली आगे बढ़ी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं करौली से है, जहां पर बालाघाट थाना पुलिस ने गत दिनों मोहनपुर गांव में एक ही रात में चार घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय बावरिया गैंग का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और थानाधिकारी धर्म सिंह गुर्जर ने बताया कि थाना क्षेत्र के गाँव मोहनपुर में एक ही रात में चोरी की चार वारदातों के मद्देनजर एसपी नारायण टोगस ने बालाघाट थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया, जिसका सुपरविजन एडिशनल एसपी कृष्ण चंद्र यादव एवं डीएसपी फूलचंद मीना के द्वारा किया जा रहा था और जिसके संबंध में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि करीरी खेड़िया एवं जोधपुरा के हार में डेरों पर वर्गी रहते थे, जो घटना के बाद से ही क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे थे, जिन पर शक होने पर उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल जोधपुरा के डेरों की तरफ रवाना किया गया, जहां पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ खेड़िया की और थाना अधिकारी धर्म सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया और यहां पर अब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर है झुंझुनू से, जहां पर राज्य सरकार की आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराने की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा मंडावा पंचायत समिति की बिरमी ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित की गई है। चौपाल की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना है और उनके मौके पर ही यथासंभव निराकरण किए हैं। पट्टों के वितरण पर ग्राम सेवक को सख्त निर्देश दिए हैं कि पट्टे वितरित करने में किस तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और परिषद सीईओ जवाहर चौधरी ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान वाटरशेड के तहत मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी मिलने पर मौके पर ही शीशपाल मीना नामक व्यक्ति ने आवेदन किया, जिसे तुरंत निस्तारित किया गया है।